उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दो दिवसीय दौरे पर अयोध्या आ रहे हैं। करीब दोपहर 2:45 पर रामनगरी वो पहुंचेंगे। यहां रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे, तो वहीं 17 अक्टूबर को आयोजित हो रहे दिल्ली सेवाधाम के भूमि पूजन में शिरकत करने वाले हैं। गौरतलब है कि उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश के साथ ही साल 2022 में विधानसभा चुनाव है, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री के इस दौरे के कई मायने सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद ये पहला दौरा है। इसी के साथ ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री मनिंदर सिंह बिट्टा भी उनके साथ पहुंच रहे हैं। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी शैलेंद्र पांडे इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। शैलेंद्र, देखिए पुष्कर सिंह धामी पहुंच रहे हैं रामनगरी आज, हालांकि बात इससे जोड़कर भी देखी जा रही है, हालांकि वो बता रहे हैं कि एक तरीके से धार्मिक उनकी यात्रा है, लेकिन चूंकि 2022 में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में विधानसभा चुनाव है, कई मायने उनके इस दौरे के सामने आ रहे हैं, क्या अपडेट इस पर? जैसी आपको बता दें कि पूरा बीजेपी इस समय चुनावी मोड में है और उत्तराखंड के बहुत सारे लोग यूपी में है जो वहां बसे हुए हैं, वहां के वोटर हैं, और 2022 में उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने वाला है। तो पुष्कर सिंह धामी का जो दौरा है, कहने के लिए तो धार्मिक दौरा है। उनका कहना था कि मैंने केदारनाथ में पहली बार दर्शन किया था और अब श्री राम का दर्शन करने जा रहा हूँ, कि वहां से मेरा बहुत पहले से संबंध रहा है। जगह होती है उसमें श्री राम का नारा जोर शोर से लगाया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री का दौरा होने से जो उत्तराखंड के वोटर यूपी में है उनको साधने को लेकर के भी एक दौरा है। जी चलिए शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए।